वेलकम टू रेड टेक चैनल, अ न्यू वे टू लर्न। तो आज हम बेसिक फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिसिटी में हमें पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम। उसके बाद हमें सर्किट के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स होनी चाहिए, जाननी चाहिए कि जो पॉजिटिव रीजन होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, उसको हम एनोड कहते हैं, और नेगेटिव रीजन को हम कैथोड कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिपेल करता है कैथोड साइड को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है और कैथोड भी नेगेटिवली चार्ज है, और अट्रैक्ट करता है एनोड साइड में क्योंकि वो पॉजिटिव साइड है, या उसको हम पॉजिटिव रीजन भी कह सकते हैं। इसमें हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट। अगर किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन को बहाव होता है, उसको हम करंट कहते हैं। करंट की यूनिट होती है एम्पेयर। एम्पेयर में करंट को मापा जा जाता है, और वो 1 कूलम पर सेकंड के इक्वल भी होता है। मान लीजिए कि 1 एम्पेयर का करंट फ्लो किया, वो उसको 1 कूलम पर सेकंड भी इक्वल कह सकते हैं। अब जो नॉर्मली घर होते हैं उसमें वोल्टेज होती है डोमेस्टिक घर में 220 वोल्टेज। जो पावर सप्लाई होती है घरों में डोमेस्टिक यूजेस में, वो नॉर्मली 220 वोल्ट तक होती है, और फ्रीक्वेंसी रहती है 50-60 हर्ट्ज़। ये इंडिया का है, जो कि इंडिया में हम पावर सप्लाई के ग्रिड यूज़ करते हैं, उसकी वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद हमें अल्टरनेटिव करंट के बारे में पढ़ना होगा, बट इसके लिए मैं सेपरेट लेक्चर लेके आऊँगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पावर। पावर क्या होती है? पावर होती है रेट ऑफ डूइंग एनी वर्क इज कॉल्ड पावर। और पावर का हम मेनली डेफिनेशन ये भी होती है कि पावर इज़ दी एनर्जी यूज्ड बाय द टाइम। कितने समय में कितनी एनर्जी को हमने यूज़ किया है, उसको हम पावर कहते हैं। और पावर की SI यूनिट होती है वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। 1 वॉट 1 जूल पर सेकंड के इक्वल होता है। पावर की यूनिट वॉट होती है, बट एक और यूनिट होती है जिसको हम जूल पर सेकंड भी कहते हैं। अब इसमें बेसिक में आता है कि जो 1 हॉर्स पावर होती है वो 750 वॉट के इक्वल होती है। और जो पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है करंट इनटू में वोल्टेज। करंट को हम I से डिनोट करते हैं, वोल्टेज को V से, और पावर को P से। इसके इक्वेशन का कहने का मतलब ये है कि पावर डिसिपेटेड इज द प्रोडक्ट ऑफ, जो पावर है वो प्रोडक्ट किसका है, इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज का। अब इसमें जानने वाली ये बात है कि अगर कोई वोल्टेज 100 किलो वोल्ट का है और करंट है 1 एम्पेयर, 1 एम्पेयर को हम 1000 mA भी कह सकते हैं, तो उससे जनरेट होने वाली पावर होगी 100 किलो वॉट, मीन्स 100,000 वॉट। अब हम टिपिकल जो वो होता है एक्सरे जनरेटर होता है, उसमें हम 100 किलो वॉट की इलेक्ट्रिक पावर यूज़ करते हैं, और ये है, ये उसमें 100,000 वोल्टेज यानी कि 100 किलो वोल्टेज भी यूज़ होती है, और करंट होता है उसमें 1 एम्पेयर तक का। तो ये हमें रेडियोग्राफी में जानने की चीज़ है कि जो एक्सरे जनरेटर होता है उसमें अप टू 100 किलो वॉट तक का पावर, इलेक्ट्रिक पावर यूज़ होती है या चाहिए होती है जो एक्सरे जनरेशन में। तो इस टॉपिक में आपको बेसिक्स में ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक यूजेस में हमारा AC करंट में 220 वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ तक। और पावर में हमें ये पता होना चाहिए कि जो एक्सरे जनरेटर होता है उसकी पावर रिक्वायर्ड होती है एक एक्सरे जनरेशन के लिए, या एक एक्सरे क्रिएट करने के लिए 100 किलो वॉट तक, या वो उतनी पावर रिक्वायरमेंट होती है या जनरेटर में होती है। ये हमें एज अ रेडियोग्राफर पता होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।